नौवीं जमात में अलजबरा का दूसरा सबक देखने जा रहे हैं। दूसरा सबक का उन्वान है हकीकी आदाब, अंग्रेजी में इसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हकीकी आदाब की किस्में हमने गुज़िश्ता जमातों में पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तबई आदाब सबसे पहली जो अदब की किस्म है कौन सी है, तबई आदाब। तबई आदाब कौन सी है, तो ये एक दो तीन चार ये इस तरह की जो गिनती के आदाब है, पाँच छः सात आठ नौ अनलिमिटेड, ये तमाम आदाब को क्या कहते हैं, तबई आदाब कहते हैं। और इसके जो सेट होते हैं तबई आदाब के सेट को एन से जाहिर करते हैं, ये हो गया समझ लीजिए आपकी तबई आदाब का सेट। तो गिनती के जो आदाब है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ वगैरह वगैरह, ये सब आदाद के सेट को एन से जाहिर करते हैं, इनको क्या कहते हैं, तबई आदाद कहते हैं। ठीक है, तबई आदाद का सेट जमा ज़रब के लिए काफ़ी होता है, लेकिन तफरीक और तकसीम के लिए काफ़ी नहीं होता। तबई आदाद से सिर्फ हम जमा और ज़रब कर सकते हैं, लेकिन तफरीक का अमल और तकसीम के अमल में तबई आदाद नहीं कर सकते। तबई आदाद का इस्तेमाल करके हम तकसीम का अमल और तफरीक का अमल नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अभी एक वज़ा का अमल है, पाँच वज़ा छः, अब इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा वज़ा एक। अब वज़ा एक ये तबई अदद है क्या, नहीं है। वज़ा एक तबई अदद नहीं है, मतलब ये हुआ कि हम तबई अदद का इस्तेमाल करके तफरीक का अमल नहीं कर सकते। इसी तरह से तकसीम का अमल देख लीजिए, ये है वज़ा पाँच और ये है जमा पाँच। अब ये अमल में क्या करना है हमको, पाँच एका पाँच, पाँच को काय से ज़रा देना पड़ेगा वज़ा एक से, तो जवाब आएगा वज़ा पाँच और इस तरह से जीरो। यहाँ पर ये वज़ा एक तबई अदद नहीं है, इसलिए हम तफरीक के तमाम आमाल और तकसीम के तमाम आमाल तबई आदाद का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। सिर्फ जमा और वज़ा का सॉरी जमा और ज़रब का अमल, जैसे पाँच जमा दो आगे सात, सात भी क्या है या चार छः ज़रब दो छः दोनों बारह, तबई अदद मिल गया। तो तबई आदाद किसको कहते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ये आदाद को कहते हैं तबई आदाद। इसमें सिर्फ मुस्बत आदाद ही होते हैं, सिफर भी नहीं रहता और मनफी आदाद भी नहीं रहते हैं। ठीक है, आदाद की दूसरी किस्म है मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद किसको कहते हैं, तबई आदाद में जब हम ज़ीरो मिला देते हैं तो मुकम्मल आदाद में क्या होते हैं, सिफर एक दो तीन चार पाँच छः, ये तमाम आदाद को कहते हैं मुकम्मल आदाद। इसको W से जाहिर करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर या मुकम्मल आदाद। तो तबई आदाद में हम जब सिफर को शामिल कर देते हैं तो फिर क्या बनता है, होल नंबर या मुकम्मल आदाद का सेट बनता है। ठीक है, इसके सेट को अगर लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, कैपिटल W से, और कैपिटल W में क्या रखा हुआ है, सिफर एक दो तीन ये आदाद रखे हैं। तो सिफर और तबई आदाद को मिलाकर क्या बनता है, मुकम्मल आदाद। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो तबई आदाद है किसके ज़िमनी सेट है, मुकम्मल आदाद। क्योंकि मुकम्मल आदाद में एक अदद से ज़्यादा है सिफर का, इसलिए ये बड़ा सेट है और उसका ज़िमनी सेट कौन है, तबई आदाद। आदाद की तीसरी किस्म है सही आदाद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीगर नंबर या इंटीजर नंबर। अब ये सही आदाद कौन से हैं, सही आदाद में क्या आता है, तबई आदाद आता है, सिफर भी आता है और मुतजाद आदाद आते हैं। मुतजाद आदाद कौन से हैं, जैसे जमा एक और वज़ा एक, ये क्या है, मुतजाद है, उलट है, अपोजिट नंबर, या जमा दो वज़ा दो, जमा तीन वज़ा तीन, ये सब आदाद को क्या कहते हैं, मुतज़ाद आदाद यानी अपोजिट नंबर। जमा वाले हैं और वज़ा वाले हैं और सिफर, ये तमाम आदाद को मिलाकर क्या बनता है, सही आदाद का सेट बनता है। यानी इसमें कौन कौन से रहेंगे,
ये इधर जा रही है देखो, वो था तीन, वो था दो, वो था एक, सिफर, एक, दो, तीन, ये जा रही है, ये जा रही है। इस तरह से ये तीन किस्म के आदाद इसमें होते हैं, मुस्बत आदाद होते हैं, सिफर होता है और मनफी आदाद होते हैं। इन तीनों के मजमूए को कहते हैं इंटीजर नंबर या सही आकार। यानी इसमें मुक्तबई अदद भी होते हैं, मुकम्मल अदद भी होते हैं और मनफी आदाद भी होते हैं। ऐसे आदाद के सेट को आय से जाहिर करते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। यानी आय में फिर कौन से अरकान होंगे, आय में ये अरकान होंगे, आय ये सेट है कौन से आदाद का, सही आदाद का। तो सही आदाद कौन से हैं, वजा दो, वजा एक, सिफर, एक, दो, तीन, ये तक जानी। इस तरह सही आदाद में मुस्बत आदाद, सिफर और मनफी आदाद, यानी मुतजाद आदाद और सिफर, इन आदाद को मिलाकर कौन से आदाद बनते हैं, सही आदाद या इंटीजर नंबर आते हैं। अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है ये भी देख लीजिए। आपको पता है कि सिफर सिफर से बड़ा कौन एक, एक से बड़ा कौन दो, दो से बड़ा कौन तीन, इस तरह से। फिर इसी तरह से सिफर काय से बड़ा है, वजा एक से, वजा एक काय से बड़ा है, वजा दो से, वजा दो काय से बड़ा है, वजा तीन से, इस तरह से। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ये छोटे आदाद आते जाएंगे, वजा तीन छोटा है दो से, दो छोटा है एक से, एक छोटा है सिफर से, सिफर छोटा है, सिफर बड़ा है एक से, सिफर छोटा है एक से, एक छोटा है दो से, दो छोटा है तीन से, तीन छोटे हैं चार से, इस तरह से। ये आदाद में छोटापन और बड़ापन होता है। छोटेपन और बड़ेपन के लिए क्या रहता है, ये जिधर नौक रहेंगी वो छोटा रहेगा और ये जिधर दो रास ये आएंगे लकीर आएंगी वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो सही आदाद आ गया आपको समझ में। मुतजाद आदाद और सिफर को मिलाकर क्या बनते हैं, सही आदाद बनते हैं। ठीक है, तो अददी खत पर के जितने भी आदाद होते हैं, अददी खत देखे हैं अपन ने किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है अददी खत। यहाँ रहता सिफर, इधर रहते जमा वाले और इधर रहते वला वाले। ये अददी खत के तमाम आदाद क्या कहलाते हैं, सही आदाद कहलाते हैं। इसके बाद चौथी किस्म के आदाद है नातिक आदाद। चौथी किस्म के आदाद है नातिक आदाद। इनको अंग्रेजी कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, नातिक आदाद किसे कहते हैं, देखिए नातिक आदाद में दो अरकान होते हैं, एक ई होता है और दूसरा क्यू। ये कौन से अदद होते हैं, सही अदद होते हैं, सही अदद। ई और क्यू अगर ये सही अदद हो और इसमें से क्यू ये गैर सिफर सही अदद हो तो नातिक अदद किसको कहते हैं, पी बटे क्यू को नातिक अदद कहते हैं। क्या तारीफ है देखो, पी नातिक अदद की, ये नातिक अदद ऐसे आदाद है जिसमें दो अरकान होते हैं, एक होता है पी दूसरा होता है क्यू, दोनों भी क्या होते हैं सही अदद। सही अदद मतलब ये वाले होते हैं। ठीक है, यानी एक दो तीन चार पाँच, वजा एक दो तीन चार पाँच, इस तरह के सही आदाद होते हैं। लेकिन ये जो क्यू है ये क्यू क्या रहेगा, कभी भी सिफर नहीं होगा, क्यों, ये इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे आदाद को कहते हैं नातिक आदाद, पी बटे क्यू क्या है, ये नातिक अदद है और इसमें पी और क्यू क्या है, सही अदद है। यानी ये जमा वाला वजा वाला और क्यों ये हमेशा सिफर नहीं होता, कभी भी सिफर नहीं होता। तो नातिक आदाद के सेट को काय से जाहिर करते हैं, क्यू से, और क्यों क्या है, ये पी बटे क्यू है यानी सही आदाद है। और उसमें से पी क्या है, पी ये और क्यू ये दोनों भी क्या है, सही आदाद है, इंटीजर नंबर है। यानी पी और क्यू ये रुकन है किसके,
सही अदब के हैं, जिसमें से क्यों ये सिफर के मसावी नहीं है। तो ये हो गया क्यों, यानी नातिक आदाब का सेट। ठीक है, तो नातिक अदब में कभी भी ये जो पहली शर्त ये है कि क्यों ये कभी भी सिफर नहीं होता, क्योंकि सिफर से तकसीम अपन कर ही नहीं सकते। बटे में किसी के सिफर आया, जैसे मिसाल के तौर पर चार बटे सिफर, सिफर से तुम क्या तकसीम करेंगे, चार कर ही नहीं सकते ना सिफर से। सिफर एक सिफर, सिफर दोनों ये ना काबिल तारीफ है। अगर चार बटे दो आया तो उसको तकसीम कर सकते, दो एक दो दोनों चार, ये नातिक अदब। या फिर ये आया चार बटे वजा दो, दो एक दो दोनों चार, इस तरह से तकसीम का हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बटे में यानी नसब नुमा में सिफर आ गया तो हम तकसीम कर ही नहीं सकते इसको, इसलिए नातिक आदाब में जो नीचे का रुकन है यानी नसब नुमा वाला रुकन है कभी भी सिफर नहीं होता। ठीक है, अदब की दूसरी किस्म है हकीकी आदाब। अब देखिए नातिक आदाब में सभी आ गए, कौन कौन आ गया, तबई अदब भी आ गया, मुकम्मिल अदब भी आ गया और सही अदब भी आ गया, जमा वाले आदत, सिफर और वजा वाले आदत। तो यहाँ हम सही अदत के लिए ये कह सकते हैं कि ये पहले देखे अपन ने तबई अदत किसका जिम्मी रुकन है, मुकम्मल आदत का, और मुकम्मल आदत किसके जिम्मी रुकन है, सही आदत के। इस तरह से ये यानी आय बड़ा हो गया ये इससे छोटा, अभी सबसे छोटा, एंड तबई आदात का सेट एक दो तीन चार पाँच किसका जिमनी सेट है हकीकी अपने मुकम्मल आदात का, यानी सिफर भी आ गया इसमें। फिर मुकम्मल आदात किसका जिमनी सेट है सही अदद के, सही अदद में कौन आता, वजा वाले और जमा वाले, और कौन आ गया, सिफर भी आ गया। फिर तो उसके बाद ये तीनों को मिलाकर बना कौन नातिक अदद, तो नातिक अदद ये जिमनी सेट हुआ काय का क्यों का। ठीक है, क्योंकि इसमें जमा वाले भी है, वजा वाले भी है, सिफर भी है, सभी आदाब इसमें आ जाते हैं। यानी तबई अदब भी आता, मुकम्मल अदब भी आता, सही अदब भी आता, नातिक अदब भी आता, यानी चारों आदाब का मजमुआ ये कहलाता है हकीकी आदाब। तो हकीकी आदाब ये क्या होंगे, आफाकी सेट होंगे, और ये बाकी तमाम उसके क्या होंगे, जिमनी सेट होंगे। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं तबई आदात जिमनी सेट है किसके, मुकम्मल आदात, मुकम्मल आदात जिमनी सेट है किसका, सही अदब का यानी आय का, आय जिमनी सेट है किसका, नातिक अदब का, और नातिक आदात जिमनी सेट है किसके। इस तरह से ये इनका तरतीबी ताल्लुक हो गया कि तबई आदात जिमनी सेट है मुकम्मल आदात, मुकम्मल आदा जिमनी सेट है सही आदा, सही आदा जिमनी सेट है नातिक आदा, या नातिक आदा जिमनी सेट है हकीकी आदा। यानी हकीकी आदात में तमाम किस्म के आदात आ जाते हैं, यानी कौन कौन आ जाता है उसमें, तबई आदात आ जाते हैं यानी एक दो तीन चार पाँच, फिर मुकम्मल आदात आ जाते हैं ये, फिर सही आदात आ जाते हैं, और नातिक आदाद यानी चार बटे दो, सोलह बटे आठ वगैरह वगैरह, ये सब आदाद आ जाते हैं काय में हकीकी आदाद। ये तमाम आदाद को अपन क्या कह सकते हैं, हकीकी आदाद, ये तमाम आदाद आते हैं। ठीक है, तो हकीकी आदाद क्या हो गया, आदाद का आफाकी सेट है, और ये तमाम उसके क्या है, जिमनी सेट है। अब नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक, नातिक आदात के बारे में हमने पढ़ा है कि ये कौन से आदात होते हैं, पी बटे क्यू वाले, पी बटे क्यू वाले, जिसमें से पी और क्यू ये दोनों क्या होते हैं, सही आदात होते हैं। अब सही आदात कौन से हैं, ये है वजा तीन, वजा दो, वजा एक, जीरो, एक दो तीन वगैरह वगैरह, ये आदात क्या है, सही आदात है। अब इसमें से सिर्फ क्यों ये जो अदद है यानी नसब नुमा में जो आने वाला है
क्या नहीं रहता, सिफर के मसाबी नहीं रहता। तो ऐसे आदात को कहते हैं नातिक अदत। नातिक अदत की तारीफ हम इस तरह से कर सकते हैं कि पी बटे क्यू वाले जो आदाद है जिसमें से पी और क्यू क्या हो, सही अदद हो, लेकिन क्यू ये सिफर के गैर मसावी हो, तो ऐसे आदात को कहते हैं क्या, नातिक आदात। यहाँ पर क्यू ये सिफर से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। पर सीजे गए दो जो है तो नातिक आदात है, जिसमें एक है पी बटे क्यू और दूसरा है एस आर बटे एस। अब पी बटे क्यू में क्यू ये बड़ा है सिफर से और एस ये बड़ा है सिफर से, ये दोनों नसब नुमा है, ये दोनों क्या है नसब नुमा, दोनों के जो नसब नुमा है वो सिफर से बड़े हैं। तो ऐसी सूरत में तरतीब क्या होंगी, पहली तरतीब ये होंगी कि अगर पी बटे क्यू मसावी है आर बटे एस के, तो क्या हो सकता है, इनकी तिरछी ज़रब मसावी है, यानी पी ज़रब एस मसावी है आर ज़रब क्यू। अब इसको अपन एक मिसाल के ज़रिए समझ, दो बटे छः है मसावी है ठीक है, अभी मसावी है, उनकी तिरछी दरब भी मसावी ही आएंगी, यानी दो को नौ से देंगे अब तो दो दरब नौ मसावी है तीन दरब छः की आ जाएंगे, नौ दो अट्ठारह अच्छे दिया अठारह आगे मसावी। ये पहला अगर नातिक आदात, दो नातिक आदात मसावी है तो उनकी जो तिरछी दरब है वो क्या होती है, वो भी मसावी होती है। दूसरी खासियत देखिए, अगर या अगर उनकी तिरछी दरब मसावी है तो वो नातिक आदात मसावी होते हैं। अगर P ज़रब S बड़ा है Q ज़रब R के, तो ऐसी सूरत में P बटे Q ये बड़ा होगा, P बटे Q बड़ा होगा R बटे S। ठीक है, इसकी मिसाल देख लेते हैं अपन, जैसे मिसाल के तौर पर ये है पाँच ज़रब चार बड़ा है, पर बड़ा है जी पाँच चौक बीस और ये चार चौक होना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाँच बटे चार ये बड़ा है चार बटे चार। ठीक है, तीसरी खासियत, अगर पी ज़रब एस ये छोटा है क्यू ज़रब आर से, ऐसी सूरत में जो दूसरी कसर है वो बड़ी रहेगी, यानी पी बटे क्यू होता है आर बटे एस। ठीक है, इसकी मिसाल देख लो, तीन ज़रब छ तीन ज़रब चार छोटा है चार ज़रब चार सौ, यहाँ क्या हो गया तीन सौ बारह और यहाँ क्या हो गया चार सौ सोलह, इसलिए हम कह सकते हैं तीन बटे चार वो छोटा है चार बटे। इस तरह से नातिक आदात का करते हुए ताल्लुक इस तरह से होता है, यानी शुमार कुनिंदा जिस कसर का बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी, और शुमार कुनिंदा जिस कसर का छोटा होगा वो कसर छोटी। तो अगला टॉपिक अपना नातिक आदात की खसूसियात, नातिक आदात की जमा। बस कीजिए कि ए बी और सी ये तीन नातिक आदात हैं, कौन कौन नातिक आदात है, ए बी और सी कौन के आदात है, नातिक आदात है, नातिक आदात है मतलब कौन से हैं, पी बटे क्यू वाले आदात। ठीक है, जिसमें पी और क्यू दोनों क्या है सही अदद है और क्यू जो गए सी पर सही अदद है। तो अब इस सूरत में हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों की जमा यानी ए जमा बी ये मसावी होंगी बी जमा ए की, आएगा समझ में। जैसे अगर हम मान लो कि ए तीन है बी चार है और सी पाँच है, तो तीन जमा चार मसावी है
चार जमा तीन थे, क्यों? क्योंकि इनकी भी टोटल ग्रुप कैसी आनी? साथ ही आना है। तो ए जमा बी मसागी रहेगा, बी जमा ए की, ये खासियत को कहते हैं मुबादला खासियत। ठीक है, फिर दूसरी खासियत देखिए, ए जमा बी ब्रैकेट में जमा सी, तो मसागी रहेगा ए जमा बी जमा सी की। देखो यहाँ पहले ए जमा बी, ए और बी में ब्रैकेट दिए, यहाँ बी और सी में, तो ये दोनों की जमा क्या होंगी? मसागी होंगी। तो देखो लोग करके देख सकते हैं अपन, तीन जमा चार जमा पाँच बराबर है तीन जमा चार जमा पाँच, चार और तीन सात, तीन जमा चार और पाँच नौ, सात और पाँच बारह, नौ और तीन बारह। तो ये खासियत को कहते हैं मुल्तज़मी खासियत, मुल्तज़मी खासियत कहते हैं। ठीक है, तीसरी खासियत ए जमा जीरो मसाली रहेगा, जीरो जमा ए, ए में जीरो मिला या जीरो में ए मिला, जवाब क्या मिलेगा आपको? ए ही मिलेगा, बिल्कुल कुछ आएगा ए आएगा। ठीक है, जीरो को जमा का शनाख्ती अंतर कहते हैं, जीरो को क्या कहते हैं? जमा का शनाख्ती अंतर। ये चौथी खासियत ए जमा वजा ए बराबर क्या हुआ? जीरो, जमा वजा क्या हो जाएगी? वजा ए। ये खासियत कहती है जमा ई माहूस, खासियत कहती है जमा ई माहूस। तो ये होगी नातिक आदत की कुछ खसूसियात जमा के लिहाज से। तो दो नातिक आदा सिर्फ उसी वक्त एक दूसरे के लिए जमाई माफूस होते हैं जब उनका हासिल जमा सिफर हो। जमाई माफूस कब होंगी? जब उनका हासिल जमा सिफर आएगा तभी वो जमाई माफूस होंगे। फिर नातिक आदा के ज़रब वही जमा की जैसी थी वैसी इसकी भी आएंगी। ए ज़रब बी मसावी है बी ज़रब ए की, जैसे अगर ए बराबर तीन, बी बराबर चार, सी बराबर पाँच, तो तीन ज़रब चार या चार ज़रब तीन मसावी चलेगा, चार दिया बारह, चार दिया बारह। ठीक है, तो इनकी जो जमा होती है ज़रब होती है वो भी मसावी, ये खासियत को बोलते हैं मुबादला खासियत। दूसरी वहाँ पर जिस तरह से अपने खसूसियत देखे थे पहली दूसरी जिसकी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी है। पहला क्या है? ए ज़रब बी ब्रैकेट में ब्रैकेट की ज़रब सी मसावी है ए ज़रब ब्रैकेट में बी ज़रब सी, ये खासियत भी वही है। ठीक है, इसको कहते हैं मुल्तज़मी खासियत, मुल्तज़मी खासियत। यहाँ ब्रैकेट में ए बी है, यहाँ पर ब्रैकेट में बी सी है, तो इनके हासिल ज़रब क्या देगी? ए सी आएगी, मसावी ही आएगी। तीसरी खासियत अगर ए को हम एक से ज़रब दे रहे हैं या एक को ए से ज़रब दे रहे हैं, ये तो दोनों भी कैसी खासियतें हैं? मसावी खासियत, मसावी होंगे दोनों, ए को एक से दो या एक को ए से दो। ठीक है, इसको कहते हैं ज़रबी शनाख्त। अगली खासियत देखिए, ए को ज़रब दे रहे अगर अपन एक बटे ए से, ये मसावी होगा, एक बटे ए से अगर ए को ज़रब दिए तो इसका मसावी होगा। यहाँ पर ये ए ए कर जाएंगे, ए का ए एक बचेगा क्या? एक बचेगा। यहाँ पर ये ए ए कर जाएंगे, बचेगा क्या? ए कब होगा? जब ए ये गैर सिफर सही अदद हो। तो इस तरह ये खासियत कहलाती है ज़रबी माफूस। जैसे अपन ने वहाँ जमई माफूस देखे थे, वैसे यहाँ पर क्या है? ज़रबी माफूस है। तो ये कुछ खसूसियत है नातिक आदात की, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में अपन और कुछ इसमें देखेंगे नातिक आदात की, अशरी इजहार
और पी बटे क्यू की सूरत में लिखना मतवाली अशरी कसर को आगे अपने वीडियो आने वाले।